सचिन नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित दो ऐसे संगठन की बात करेंगे जिनका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख रूप से जाना जाता है। हम बात करेंगे कांग्रेस के साथ साथ एक समानांतर संगठन मुस्लिम लीग की। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना, सिर्फ स्थापना की बात होगी इसमें, उससे मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन हुए 1943 तक होते गए, लेकिन हम जो है शुरुआती बात करेंगे यहाँ पर। मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है वो स्वप्रेरित, अपने से प्रेरित होकर के नहीं होती है, वो जो है लॉर्ड कर्जन की जो विभाजनकारी नीति थी उसका परिणाम था। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद जो है इस संगठन की स्थापना की बात कुछ मुस्लिम व्यक्तियों के मन में आने लगी। ठीक, हुआ कैसे, विभाजन के बाद 1 अक्टूबर 1906 को 35 प्रतिनिधियों की एक जो है शिष्टमंडल, जिसकी अध्यक्षता जो है आगा खां करते हैं, किसके उसके अध्यक्षता कौन करते हैं, आगा खां। ये शिष्टमंडल जो है शिमला में कहाँ मिलता है, शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलता है। ठीक, मिंटो से मिलने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम राजभक्त के बदले जो है अपनी मांगों को मनवाएंगे। इनकी मांग थी व्यवस्थापिका सभा में स्थान दिया जाए, दूसरी मांग थी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व स्थान दिया जाए, फिर है देश भर की हाईकोर्टों में मुस्लिम न्यायाधीशों की बहाली की जाए, फिर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाए। ये जो पृथक निर्वाचन मंडल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा जाता है, कब हुआ था, दरअसल हम यहाँ सिर्फ स्थापना की बात करेंगे छोटे से वीडियो में, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। अब आश्वासन जब मिल जाता है, आश्वासन कहाँ से मिलता है, आश्वासन मिलता है ये जो है वायसराय की तरफ से। आश्वासन जब मिल जाता है उसके बाद होता क्या है, आश्वासन मिलने के बाद नवंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां जो थे, ये सलीमुल्ला खां शिष्टमंडल के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इस शिष्टमंडल के सदस्य नहीं थे। नवाब सलीमुल्ला खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कन्फेडरेसी के गठन की योजना बनाई। ठीक, जब योजना बना दी इन्होंने तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब उल मुल्क की अध्यक्षता में, एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन किया जाता है। किसके गठन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, किसके अध्यक्षता में मीटिंग हुई, नवाब उल मुल्क। यहाँ पर कई नाम थोड़ा टेढ़े चढ़े हैं। ठीक, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वकार उल मुल्क, नाम देखिएगा, इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो कई नाम है कन्फ्यूजन हो जाते परीक्षा में, गलत हो जाते हैं, इसीलिए हमने स्थापना की बात कर रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। ठीक है, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, जबकि पहले मानद या स्थायी अध्यक्ष आगा खां ने, जब स्थायी अध्यक्ष पहला पूछेगा आगा खां बताएंगे, जब सिर्फ कहेगा कि प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। अब इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना। ठीक, सरकार के प्रति वफादारी, अपनी वफादारी के बदले अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना। ठीक, अब आइए हम इस संगठन के अधिवेशन, शुरुआती अधिवेशन, अधिवेशन तो इनका जो 1943 तक चलता है, लेकिन हम शुरुआती अधिवेशन की बात करेंगे। पहला अधिवेशन जो होता है 29 से 30 दिसंबर 1907 को होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है एडम जी पीर भोए करते हैं। कौन करते हैं, नाम नहीं सुना होगा आपने, एडम जी पीर भोए करते हैं। अब यह अधिवेशन होता कहाँ पे, कराची में। पूछा जाता है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, कराची। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो सॉरी इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान बन करके तैयार हो गया, लागू नहीं किया, पारित नहीं किया, संविधान बन गया। अब 18 मार्च 1908 को एक बैठक होती है अलीगढ़ में, इसके अध्यक्ष कौन करते हैं, मियां शाह दीन, ये भी नाम नहीं सुना होगा आपने, मियां शाह दीन करते हैं। इसमें आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर आपका द्वितीय अधिवेशन जो होता है 30 से 31 दिसंबर 1908 को होता है,
यह अधिवेशन जो अमृतसर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है सैयद अली इमाम करते हैं। कौन करते हैं? सैयद अली इमाम करते हैं। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान पारित कर दिया जाता है। पहले अधिवेशन में संविधान बनता है, पारित किया जाता है, दूसरे में अमृतसर अधिवेशन में पूछा जाता है। फिर 1910 में अधिवेशन होता है दिल्ली में, जिसके अध्यक्षता जो है गुलाम मोहम्मद खां करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इस संगठन के मुख्यालय की। शुरुआत के दिनों में इस संगठन का मुख्यालय जो हुआ था कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में। फिर बाद में मुख्यालय बदल के कहाँ किया गया? लखनऊ में। बस ये जो इसकी विचारधारा काफी उग्र थी, ठीक है, ठीक इसी की तर्ज पर एक सांप्रदायिक विचारधारा आई उत्पन्न हुई और एक सांप्रदायिक संगठन बना जिसको हिंदू महासभा के नाम से जाना जाता है।